कभी आपने सोचा है कि क्यों आपके ब्लड रिपोर्ट में नॉर्मल रेंज लिखा रहता है? क्यों आपके इलाके में फ्री मेडिकल चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है? ऐसा लग सकता है कि यह हमें स्वस्थ रखने के लिए किया गया एक साधारण सी व्यवस्था है, लेकिन अगर इसके पीछे छुपा हुआ है कोई चतुर सी साजिश, ऐसा एक काला सच जो आपके नाक के नीचे चल रहा है और आपको पता ही नहीं चला, यकीन मानिए यह सब आपके लिए नहीं बल्कि डॉक्टरों और अस्पतालों के प्रॉफिट के लिए है। चलिए 90s में वापस चलते हैं। एम्स दिल्ली एक रिसर्च कंडक्ट करता है IIM अहमदाबाद की मदद से। रिसर्च का टॉपिक था कि कैसे मेडिकल इंडस्ट्री का प्रॉफिट को बढ़ाया जाए। इसी रिसर्च और एनालिसिस का रिजल्ट आपको चौंका देगा। मरीज जितना अपनी रोग से डरेगा उतना ही वो पैसा खर्च करेगा। जरा सोचिए, अगर यह बात सही भी है तो क्या इसको इस्तेमाल करके मुनाफा कमाना सही है? अब इसी आइडिया के आधार पे मेडिकल रिपोर्ट में नॉर्मल रेंज को लिखना शुरू हुआ कि आम आदमी भी समझ पाए और डर जाए। सिर्फ यही नहीं, जानबूझकर नॉर्मल रेंज को संकीर्ण कर दिया गया ताकि और ज्यादा डर पैदा हो। उदाहरण के लिए, वास्तविक नॉर्मल ब्लड शुगर रेंज 60 से 120 होता है, लेकिन रिपोर्ट में इसे अक्सर 70 से 100 मिलीग्राम प्रति लीटर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसे अगर कोई मरीज अपना रीडिंग 110 देखे तो घबराहट पैदा होगी। ऐसे ही निःशुल्क चिकित्सा शिविर सतह पर परोपकारी लगते हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य महंगे इलाज के लिए मरीजों को फांसना होता है। वे परीक्षण करते हैं, फिर उपस्थित लोगों को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे मामूली रूप से बीमार हैं और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता है, नहीं तो यह बीमारी खतरनाक भी हो सकती है। जब एक डॉक्टर आपको आश्वस्त करता है कि वे अपनी एक्सपीरियंस से आपको आसानी से ठीक कर सकते हैं, तो यह कोई गंभीर मामला नहीं हो सकता है। वे आपकी स्थिति की गंभीरता को बढ़ा चढ़ाकर आपके विश्वास और पैसे कमाने के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। और सुनना चाहते हो? आजकल के अधिकांश मेडिकल रिसर्च बीमारियों का इलाज करने की बजाय दवाई के इस्तेमाल से उसको नॉर्मल रखने की कोशिश की जाती है। उद्देश्य? रोगियों को जीवन भर दवाओं और ट्रीटमेंट पर आश्रित रखना। बड़ी फार्मा कंपनियां साधारण दवाओं के हल्के संस्करण को बहुत अधिक मूल्य पर बेचती हैं और डॉक्टरों को इन महंगे विकल्पों का प्रिस्क्राइब करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह वीडियो आपको डराने या चिकित्सा पेशेवरों का अपमान करने के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन जैसे ही किसी भी पेशे में, चिकित्सा पेशेवरों में भी उन लोगों भी होती है जो व्यवस्था का दुरुपयोग अपने लाभ के लिए करते हैं। याद रखें, यह आपके स्वास्थ्य और जीवन की जरूरी है। किसी के पास इसे जोखिम में डालने का कोई अधिकार नहीं है, और जब कोई अनैतिक चीज हो रही हो हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। हमें इसके बारे में जागरूक रहना चाहिए। सुस्त रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।